हाय हाय। Actually, I have a flight to catch up. Uh-huh. You know, I'm going to US. नई जॉब मिलने वाली है. Bye. क्या बोला भड़बूजा? US? नई जॉब? मतलब अमेरिका? कल मेरा बॉस यहाँ घर पे आ रहा है. अच्छा, तो तू अपने बॉस को अपने घर पे बुला रहा है जिससे तू उसकी चाट सके चप्पल, है ना? हाँ. I mean, अबे खरबूजे, ज्यादा मत बोल, समझा? अबे साले चमचे. वो कुछ पर्सनल इंटरव्यू के लिए आ रहा है, समझा? और हमने कुछ डिस्कस करना है. ये बात. तो अपनी चोंच मत अड़ाना बीच में, तमीज में रहना. तू सच में सच कह रहा है ना? हाँ भग्गू, मैं सच कह रहा हूँ. बस एक बार मैं यूएस पहुंच जाऊँ, उसके बाद मम्मी जी तुम्हारी मिसेज बन जाएंगी. मिस भगवान. यहाँ मैं अमेरिका गया और वहां मम्मी जी सीधा चोपड़े के झोपड़े में. लेकिन सुनिए, उससे पहले ना आपको मेरा काम करना पड़ेगा. हाँ हाँ, गुड छोटी. छोटी, मेरे ना बॉस आने वाले हैं और मुझे बड़ी जोर से लगी है. हाँ हाँ, तो छोटी जैसी आएंगे ना तो उन्हें अंदर बिठा लेना और चाय पानी पिला देना, ठीक है छोटी? ओके डन, चलता हूँ. बाय बाय, मिस यू, टेक केयर. चाय पानी, चाय पानी. What is this, Mr. Pappu? इतनी सारी डिग्रियां, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, MBA, PhD. आपने इतनी सारी डिग्रियां ली कैसे? पैसों से. हाथों से? हाथों से. Welcome back, Jasi Bhaiya. Yippee. Your brother-in-law is really intelligent man. Yo, cool dude. ये मेरे proposals की फाइल है. और सर ये देखिए, ये मैंने खुद के सॉफ्टवेयर से बनाया है, ट्रैफिक कंट्रोलर. खुद डिजाइन किया सर मैंने. दैट्स माय इनोवेशन सर. जय हो पप्पू साहब की. साहब जी, पप्पू साहब, जय हो पप्पू की, चप्पू की. साहब जी, आपकी लीला अपरंपार है. आपका लगाया हुआ पावर प्लांट से आज पूरा काठमांडू में लाइट ही लाइट है पप्पू साहब. सर ये देखिए ना सर, This is my testimonies for my hard work, sir. ये बा. ये देख. राम राम माजी साहब. मुझे आज ही पता चला कि आप देश विदेश घूम के वापस लौट आए हैं. ओहो. भगवान अंकल. मान जी. आपको पता नहीं, हमारे गांव में इन्होंने अकेले ही एक पहाड़ को तोड़ के कई खेत बना दिए. चलता हूँ. सर हाँ, वो छोड़िए, आप ये देखिए ना, ये रोबोटिक्स के थ्रू मैंने नया गोल्ड फाइंडर. ये देखिए सर. हेलो 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 पप्पू सर. आपने ना जिस ईमानदारी से इनकम टैक्स भरा है उसके लिए आपको बधाइयां ही बधाइयां. That's right. आपकी ईमानदारी के लिए. So I have decided कि वो US वाली जॉब मैं मिस्टर पप्पू को ही दूंगा. मिस्टर पप्पू, गिव मी योर पासपोर्ट फॉर वीजा क्लियरेंस. इस पकड़ के पास कहां से पासपोर्ट होगा सर? माय पासपोर्ट. मिस्टर पप्पू. यस. आपने तो कहा था कि आप पूरा वर्ल्ड टूर करते, लेकिन आपका पासपोर्ट तो पूरा का पूरा खाली है. न्यू पासपोर्ट, ओल्ड पासपोर्ट फिल इन द ब्लैंक्स. सो मुझे वो डस्टबिन में फेंकना पड़ा, भर गया था. ब्रिलियंट माय बॉय, ब्रिलियंट. मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की तलाश थी. क्या कहा? थैंक यू सर, थैंक यू. तो मैं जॉब पक्की समझू? हाँ हाँ बिल्कुल. पर US नहीं, हम तुम्हें सीरिया वाली ब्रांच का हेड बनाकर भेजेंगे. अरे US की ब्रांच तो कोई भी मैनेज कर सकता है, लेकिन मुझे सीरिया वाली ब्रांच के लिए तुम्हारे जैसे हिम्मती, साहसी और लड़ाकू मैनेजर की जरूरत थी. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. हाँ जी. अबे देहाती, ना तो तूने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा
और ना ही तूने कभी इंटरनेट का सही इस्तेमाल किया है। सीरिया में सिविल वॉर चल रही है, कहते हैं वहां पे जाते तो बंदा एक पीस में, पर कितने पीसीज में वापस आता है उसकी कोई गारंटी नहीं है। अबे वहां की जॉब तो बहादुर भी मना कर देगा। क्या बात कर रहा है? फिर मैं नहीं आऊंगा सीरिया, मैं अभी तेरे गेट बॉस से अपना पासपोर्ट लेके आता हूं। नहीं, तू तो बहुत हिम्मत वाला है ना, कर ले जीजे कर ले। अबे दूसरे मार दू मत जा। छोटी, हाँ। तूने मेरा पासपोर्ट देखा? नहीं जस्सी भैया, मैंने यप्पी! जस्सी भैया, you'll be very proud of me. ये तो साफ हो गया। मैं तो पूरा का पूरा साफ हो गया छोटी। अबे यार, मतलब इसको रिन्यू कराने में तो एक हफ्ता जाएगा। यूएस जाना कैंसिल? इसके पीछे भी तेरी ही उंगली है ना बे हरामखोर। उंगली नहीं ब्रो, मेरा ही हाथ है जिसने इसके पासपोर्ट का पोस्टमार्टम कर दिया। हाँ साला भड़बूजा, मेरा यूएस जाना कैंसिल करा के खुद यूएस चला जाता, भला ऐसा मैं कैसे होने दे सकता हूँ।